बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो जो है बहुत ही दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये लोग जो हैं इतने मुश्किल और कठिन रास्तों से, मट्टी धूल से होते हुए आखिर कहाँ जा रहे हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कहीं भी आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप इस वीडियो से भरपूर लुत्फंदोज हो सकें। आपको बताते चलें कि आज ईद का दूसरा दिन है और लोग ईद की सेलिब्रेशन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और लोगों का रुख आज आप देख सकते हैं कि किस कठिन रास्ते की तरफ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कौन लोग हैं और आखिर इतना ख़तरनाक सफ़र करते हुए ये कौन से रास्ते की तरफ गामजन हैं। यहाँ ज़्यादातर जो हैं नौजवान लोग आए हुए हैं, इसके अलावा बुज़ुर्ग और लेडीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप इस वीडियो से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो जो है मज़ीद दिलचस्प होने जा रही है। तो नाज़रीन, ये लोग जो हैं लैया में दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद मछली की मुख्तलिफ शॉप्स पर मछली खाने के लिए आते हैं। यहाँ तली हुई मछली और पकोड़े जो हैं इतने टेस्टी मिलते हैं कि लोगों ने मुश्किल रास्तों की परवाह नहीं की। धूल मिट्टी से और गर्मी में होते हुए वो लोग यहाँ तक ये मछली और पकोड़े खाने के लिए पहुँच गए। दोस्तों, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, और इसी शौक को पूरा करने के लिए ये लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच गए। यहाँ ये लोग ना सिर्फ लैया से बल्कि दूर दराज इलाका जात से ये मछली और पकोड़े खाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।